मैडम, कोरोना वायरस का असर पूरे राजधानी में देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, और ऐसे में सड़क पर जो पब्लिक दिखती थी वो पब्लिक की संख्या महज नाम मात्र की रह गई है। मैं भी रायपुर शहर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे, कांग्रेस मुख्यालय के सबसे नज़दीकी चौराहे पर, जो प्रमुख चौराहा माना जाता है, उस चौराहे पर खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो सड़क है ये कांग्रेस मुख्यालय के जस्ट बाजू वाली सड़क है। यहाँ से मैं आपको बोलूँगा, दीपक भैया को मैं बोलूँगा कि कांग्रेस भवन के छत पर जो कांग्रेस का झंडा लगा है, अगर वो हम दिखा पाएँ तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये कांग्रेस मुख्यालय की जस्ट बाजू वाली सड़क है। और ये सड़क जिस तरीके से खाली दिख रही है, अमूमन इस सड़क पर तकरीबन 7 से 8 ट्रैफिक पुलिस के जवान होते हैं और गाड़ियों का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि सिग्नल से छूटने के बाद गाड़ियाँ मैक्सिमम 5 to 10 की स्पीड में ही निकल पाती हैं। ज़्यादा स्पीड होने पर एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि महज 7-8 गाड़ियाँ ही नहीं यहाँ से जा पा रही हैं। इस चौराहे को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो दुकानें हैं उन दुकानों को देखिए, आजू बाजू छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो पान ठेले थे, दुकानें थी या जो भी रस्ते में चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें बंद दिख रही हैं। उसके जस्ट सामने में ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के आखिरी छोर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं उस चारों तरफ जो है तो शटर डाउन है। कहीं पर भी कोई भी दुकान खुली नहीं दिख रही है। ATM को छोड़ दिया जाए अगर तो कोई भी दुकानें खुली नहीं है। इक्का दुक्का डॉक्टर्स की दुकानें जो हैं, तो डॉक्टर्स ने और मेडिकल स्टोर्स को छोड़ दिया जाए तो दुकानें, डॉक्टर्स ने अपने मेडिकल स्टोर्स ऑन रखे हैं, ज़्यादातर लोगों ने बंद किए हैं लेकिन कुछ लोगों ने ऑन रखे हुए। इस इलाके में मैं देखने की बात, दिखाने की बात कहूँगा, ये इलाका जो पूरा रेस्टोरेंट से भरा हुआ इलाका है, यहाँ से लेकर के सामने का शटर दिख रहा है, इस शटर से लेकर के आखिरी तक जहाँ तक वो लास्ट गाड़ी दिख रही है वहाँ तक का पूरा इलाका जो है तो रेस्टोरेंट से भरा हुआ इलाका है। अलग अलग तरीके से फास्ट फूड से लेकर के तरह तरह प्रकार के रेस्टोरेंट है। और मेरे जस्ट पीछे जो ये कांग्रेस भवन जाने का जो रास्ता, उसके बाजू में एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो कॉम्प्लेक्स जो है तो जिम का है। वो 24 घंटे शुरू रहने वाला जिम है लेकिन वो जिम भी पिछले कई दो तीन दिनों से बंद पड़ा है। और जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, इस चौराहे पर इस तरीके से 5-10 सेकंड से ज़्यादा खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर इस तरीके से मैं खड़े होकर के आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि लॉकडाउन का जो असर है तो पूरे राजधानी में। मैं इस तरफ कैमरा से ट्रैफिक पुलिस वालों की दिखाने की बात कहूँगा, 2 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं यहाँ पर, मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करता हूँ रोज़ के हालात क्या होते हैं। अमूमन यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रैफिक पुलिस वाले दिख रहे हैं, अमूमन यहाँ पर कम से कम 8 से 10 ट्रैफिक पुलिस के जवान होते हैं जो इस चौराहे पर व्यवस्था संभालते हैं। ये चौराहा शहर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है, सरकार जिस पार्टी के है उस पार्टी के मुख्यालय का चौराहा है। यहाँ पर अमूमन क्या भीड़ रहती है और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति तो यह है कि यहाँ डेली बहुत भीड़ रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज सब दुकानें बंद करवाए गए हैं कोरोना वायरस के चलते, इसलिए यहाँ ट्रैफिक कम है। और जो ज़रूरत की चीज़ें जिसको चाहिए कल बंद रहेगा, इसके लिए ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए सब अभी थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक है वो निकले हुए होंगे। अच्छा, आज आप बहुत रिलैक्स मोड में खड़े हुए दिख रहे हैं, इसके पहले के दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते थे, आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल आराम की नौकरी, बिल्कुल खड़े रहना है, सिर्फ चलना है, ट्रैफिक अपने आप चल रहा है? ट्रैफिक अपने आप चल रहा है, नॉर्मल है अभी, और दिन की अपेक्षा बहुत ही कम है आज तो। चलिए, जैसा कि इन्होंने ही खुद बताया, पुष्टि किस बात की, आज का जो ट्रैफिक है बिल्कुल नॉर्मल मोड पर चल रहा है, किसी भी तरह की कोई कंजप्शन नहीं है, किसी भी तरह की कोई भीड़ नहीं है। कोई ये जो भीड़ नाम मात्र की दिख रही है, 8-10 गाड़ियाँ हर सिग्नल से गुजरती है, ये बड़ी बहुत ही बड़ी कॉमन है। और लॉकडाउन की स्थिति जो है तो ये उसका असर है कि रायपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक ना के बराबर है। कल 22 तारीख है और 22 तारीख को जिस तरीके से पूरे देश भर में पब्लिक बंद, जनता बंद आह्वान किया गया है, पूरा देश जो है कर्फ्यू की स्थिति में रहेगा, बंद रहेगा, लोग अपने घरों में के भीतर रहेंगे, उसके पहले का ये नज़ारा है कि लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को ले जाकर घरों में अभी स्टोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 31 तारीख से 31 मार्च से पहले लोग घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना वायरस के प्रभाव को भीड़ ना बढ़ा करके खत्म करने की ये मुहिम लोगों की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। रायपुर से कैमरा पर्सन दीपक के साथ JK News 24 के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।